वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं हमारी टेबल के अंदर। ठीक है, आज हम बात करेंगे अगर हमें डेटा को रिट्रीव करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं सेलेक्ट ऑपरेशन जो हमारा करता है कि हाउ टू फेच एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कंपनी टेबल। एक्चुअली हमारी टेबल तो टू डू है। ठीक है, तो अगर हमें आपको टू डू टेबल के अंदर से डेटा को फेच करना है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट आईडी नेम एड्रेस सैलरी फ्रॉम कंपनी। ठीक है, ये हमारी कमांड है। ठीक है भाई, मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं हमारे टर्मिनल पे जहाँ पे हम ओपन करेंगे हमारे एसक्यूलाइट डेटाबेस को टर्मिनल के अंदर, क्योंकि पहले कमांड को यहाँ रन करके देखेंगे उसके बाद में पाइथन प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो एसक्यूलाइट 3 डेटाबेस, एक्चुअली नाम क्या था डेटाबेस का हमारा, टेस्ट डॉट डी बी। यस, टेस्ट डॉट डी बी, एंटर किया। ठीक है, अब वो हम कमांड यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पेस्ट कर दी कमांड। तो यार पहली बात तो हमारी टेबल का नाम है वो कंपनी नहीं है, टू डू कर देते हैं। ओके, और ये सैलरी वैल्यू तो हमने यूज़ नहीं किया है, हमने तो आईडी यूज़ किया है, आईडी बाद में टास्क यूज़ किया है, ऐसे कुछ कॉलम के नेम दिए हैं ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एस्ट्रिक कर दे रहा हूँ। एस्ट्रिक का मतलब है जितने भी कॉलम्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, जितना भी डेटा हमारे पास में अवेलेबल है टू डू का, वो हमारा आ जाएगा। एंटर किया, सॉरी सेमी कॉलम दिया एंड एंटर। क्या हुआ? ओके, थोड़ी सी एरर हो गई यहाँ पे, जो ऊपर हमने स्ट्रिंग स्टार्ट किया है। ओके, यहाँ पे तो इसकी वजह से एरर आ रही है, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, एंटर किया तो मेरे पास में सारा डेटा आ गया। तो एक्चुअली मैंने एक और डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया है अभी अभी इस ट्यूटोरियल को बनाने से पहले। ओके, तो एक डेटा हमारे पास में ये हो गया, एक डेटा हमारे पास में ये हो गया। ओके, तो अब इस डेटा को हमें अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर रिट्रीव करना है। जैसे कि हमने ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, एग्जैक्टली यही कमांड पाइथन प्रोग्राम के अंदर जाके एग्जीक्यूट करेंगे। एक बात और कि ये तो हुआ कि हर एक कॉलम का डेटा हमारे पास में आ गया, ये आईडी आ गई हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में टास्क आ गई, ये हमारे पास में डेट आ गई, और ये हमारी आ गई नॉट डन स्टेटस। ठीक है, तो लेट्स से आपको सारा डेटा नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ और सिर्फ टास्क के नाम चाहिए थे। तो हम लिखते सेलेक्ट टास्क फ्रॉम टू डू। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टास्क के नेम हमारे पास में आएंगे, स्टडी मशीन लर्निंग एंड एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आपको किसी दो कॉलम्स के चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे टास्क एंड डेट। एंटर किया तो टास्क आ गई, उसके बाद में डेट आ गई। ओके, तो फिलहाल हम एसक्यूएल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो ट्यूटोरियल सीरीज है ये हमारी पाइथन एसक्यूएलआईटी की कनेक्टिविटी के ऊपर है। तो फिलहाल मैंने इसे बंद किया। ओके, अपने प्रोग्राम के ऊपर आए तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम इंसर्ट कमांड यूज़ की थी, मैं इसे हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे कमांड को सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या नाम था हमारी डेटाबेस का, ओ सॉरी टेबल का, टू डू। ओके, और हमें कमिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कमिट हम तब करते हैं जब अपने डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि अपडेट किया या इंसर्ट किया। तो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो कमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो यार ओपन सक्सेसफुली हमारा रिजल्ट आ गया, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली चल रहा है। ओके, अब दिक्कत क्या आ रही है कि हमारा कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने कमांड को एग्जीक्यूट किया था तब हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल का नेम नहीं दिया, यानी जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद में, वो रिजल्ट हमारे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हो पा रहा है, राइट। तो मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया। ओके, रन किया तो अब हमारा रिजल्ट के अंदर डेटा आ गया होगा, ठीक है, जो भी इससे रिटर्न होकर आया होगा। तो देखते हैं क्या रिटर्न होकर आया है, मैं इसे प्रिंट करके देख लेता हूँ रिजल्ट। ओके, रन किया। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो क्या आ रहा है, एसक्यूएलआईटी 3.cursor ऑब्जेक्ट। ओके भाई, तो फिलहाल इस ऑब्जेक्ट से हमें डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे मुझे भी नहीं पता। एक काम करते हैं, हम इसे इटरेट करके देखते हैं अगर इसके अंदर से डेटा हम फॉर लूप के थ्रू निकाल पाएँ। ठीक है, जैसे कि हमारे होता नहीं कि रेंज का एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाता है तो उसे हम इटरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी शायद इसे भी कर सकते होंगे। तो फिलहाल मैंने फॉर आई इन रिजल्ट दिया, अगर ये हमारा काम नहीं करेगा तो हम गूगल कर लेंगे कि कैसे हम एसक्यूएल के जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो क्या आता है उसमें कैसे इटरेट कर सकते हैं, कैसे उसे डेटा फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पहले ये करके देखते हैं। रन किया। ओके, तो ये हमारा वर्क कर रहा है। तो हमारे पास में डेटा हमारा जो रिटर्न हो क्या आ रहा है ना, वो डेटा आ रहा है हमारी टपल्स की फॉर्म में। ओके, तो टपल्स की फॉर्म में अगर हमारा डेटा रिट्रीव होके आ रहा है तो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी पहली आईडी आ रही है, फिर हमारी टास्क आ रही है, फिर हमारा डेट आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे स्टेटस आ रहा है। दैट्स ऑसम। तो कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर सकते हैं सीधे सीधे, यहाँ जस्ट स्टोर भी कर सकते हैं कि भाई आईडी कॉमा, आगे क्या था हमारा, टास्क कॉमा डेट कॉमा,
स्टेटस इक्वल टू, ठीक है आगे हम दे देंगे आई, क्योंकि आई के अंदर हमारी टपल है, या हम यहाँ पे टपल लिख देते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, टपल ये टपल भी नेम होता है, रो लिख देते हैं रो, ओके रो ओके। तो अब हमारा आईडी टास्क डेट स्टेटस के अंदर, ठीक है इस जो हमारी टपल रिटर्न क्या आ रही है, इस टपल का सारा डेटा इसके अंदर आ जाएगा, दैट्स ऑसम। ठीक है उसके बाद में हम उस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं सिंपली भाई, प्रिंट आईडी कॉमा टास्क कॉमा डेट कॉमा स्टेटस, ठीक है रन किया प्रॉपर प्रिंट हो गया, वन स्टडी मशीन लर्निंग डेट आगे स्टेटस, फिर टू एक्सरसाइज डेली नॉट डन, ओके तो सेम जो हम चाहते थे वैसा हमारा हो गया, डेटा हमारा रिट्रीव होके आ गया। अच्छा इसके अलावा और क्या तरीके हैं रिट्रीव करने के, अगर हम अपने इसी पेज पे जाएं, ओके हाँ तो इन्होंने वैसे किया है फॉर रो इन कर्सर, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली, ओके इसके बाद अपडेट कर रहे हैं शायद शायद शायद, जैसे कि हमारा माई एसक्यूएल साथ में होता है कि हम फैच कर सकते हैं डेटा को, फैच वन या फैच ऑल टाइप की कुछ मेथड्स हुआ करते थे, तो वो मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ हो। ओके मैंने एक वेरिएबल बनाया, मान लिया आर नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पे लिखा है रिजल्ट डॉट, तो हमारे पास में यस हाँ फैच ऑल और फैच वन नाम के कुछ मेथड्स हैं, तो मैं पहले फैच वन देखता हूँ करके कि क्या इसका रिजल्ट आता है, और प्रिंट किया हमने यहाँ पे आर, रन किया ओके तो अगर आपको अपने डेटाबेस की क्वेरी से सबसे पहला रिजल्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली रिजल्ट डॉट फैच वन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और आर्क के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, आर्क के अंदर आपका जो डेटा है जो पहली टपल है हमारी डेटाबेस की वो आपकी आ जाएगी, दैट्स ऑसम। ठीक है अगर हम इसकी जगह पे फैच ऑल अगर हम यूज़ करते तो, और फिर इसे रन करते ओके तो अब हमारे यहाँ पास में यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है, ठीक है लिस्ट किसकी है, टपल्स की लिस्ट है जिसके अंदर हमारे सारी मतलब जितने भी रोज हैं उस डेटाबेस के अंदर वो टपल्स की फॉर्म में रिटर्न होकर आ रही हैं, दैट्स गुड। तो आई थिंक जो हमने पहले किया था फॉर लूप लगा के रिजल्ट के अंदर तो सेम वही रिजल्ट दे रहा है ना, ओके तो अगेन आप फॉर लूप लगा के इस फैच ऑल मेथड के थ्रू भी सारी डिटेल्स को निकाल सकते हैं। तो ये दो तीन तरीके थे हमारे डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।